हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञानवीर, रीजनिंग फैकल्टी, चाणक्य क्लैट क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्लैट मॉक पेपर डिस्कशन रीजनिंग सेक्शन। पैसेज नंबर वन देखो, यहाँ पे कहता है, पहले बता चुके हैं तुम लोगों को कि जो सिग्नल वर्ड होगा पैसेज में, उस सिग्नल वर्ड को देखना जरूरी होता है। कई बार तुम लोगों को बताए हैं जो सिग्नल वर्ड, जैसे therefore, however, thus, result of, sum of, therefore, ये सब लिखा चुके हैं क्लास में, ये सब सिग्नल वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पैसेज है उसमें क्या कहता है, कहता है शांतनु इज एक्सट्रीमली गुड एट एनालिटिकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड वॉज प्लेस्ड इन द टॉप 10% इन द नेशनल टैलेंट सर्च। इट इज देयर फोर, अब देखो यहाँ पे सिग्नल वर्ड है, देयर फोर रीजनेबल टू इन्फर दैट ही शैल नॉट बी वेरी गुड एट नॉन एनालिटिकल सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड हिस्ट्री। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ठीक है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन वो हिस्ट्री में, आर्ट में इनमें अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन कहता है दिस इन्फेरेंस ड्रॉन कैन बी ट्रू ओनली इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कहता है द ब्रेन्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग हैव अ फिक्स्ड टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ से यही तो इन्फर कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन वो हिस्ट्री और आर्ट में अच्छा नहीं है। इसका मतलब है हर एक इंसान का जो कैपेसिटी है ब्रेन का, वो फिक्स्ड होता है, अलग अलग होता है। ये एनालिटिकल में इसका ब्रेन ज़्यादा चलेगा, आर्ट्स में कम चलेगा, किसी का हिस्ट्री आर्ट्स में ज़्यादा चलेगा, किसी का मैथमेटिक्स में कम चलेगा, तो फिक्स्ड कैपेसिटी होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। सेकेंड पैसेज कहता है, देखो यहाँ पर भी लास्ट में आओगे दिया हुआ है सिग्नल वर्ड दस। यहाँ पर कहता है दस इट मे नॉट बी एडवाइजेबल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक ओवर ऑल द ओपन स्पेसेस। यहाँ पर कहता है ऑप्शन नंबर 4 कि ऑल गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट ओपन स्पेसेज आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, और क्वेश्चन पूछ रहा है वीक आर्गुमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर वो मेंटेन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ऐसा ये मेंशन नहीं किया हुआ है। ये तुम्हारा वीक आर्गुमेंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट पैसेज कहता है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फ्लावर इन द केव्स ऑफ द हिमालयाज, द फ्लावर नेम हिमरानी नीड्स ऑलमोस्ट नो सन बट लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। हाउएवर, देखना, हाउएवर ऑल्दो केव्स इनटू द रजत हिल्स रिसीव लिटिल सन एंड देयर इज कॉन्स्टेंट सीपेज ऑफ वाटर बट हिमगिरी हैज नॉट बीन फाउंड इन दोज केव्स इवन दो इट इज फाउंड ऑन द एडजेसेंट हिल्स। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन फॉर दिस, क्या रीजन हो सकता है। तो कहता है कि हिमगिरी कैन नॉट सर्वाइव इन द लो लेवल ऑफ सनलाइट रिसीव इन द केव्स इन द रजत हिल्स, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तभी तो जो ऊपर में पैसेज में बात किया गया है वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, आगे देखने की जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड नंबर ऑप्शन में एनिमल का बात कर रहा है, उसके नेक्स्ट ऑप्शन में जून जुलाई यानी मंथ का बात कर रहा है, ये सब कहीं कोई ये है नहीं, दिया नहीं है पैसे। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है उसमें मोस्ट प्लांट्स की बात कर रहा है, लेकिन जो पैसेज है उसमें एक फ्लावर के बारे में दिया हुआ है। तो बी, सी और डी तो ऐसे ही तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, अगर वैसे भी बनाते हो तो ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर आएगा।
नेक्स्ट पैसेज कहता है क्वेश्चन नंबर 89 कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट द ऑपोजिशन हैज टू से इट इज नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ ट्रेड ट्रीटी विद गिंजा व्हिच इज करेंटली अंडरगोइंग अ फेमाइन वी हैव टू रिमेंबर दैट द सिमिलर ट्रीटी मेड विद जिल्डेस व्हेन इट हैज बीन हिट बाय द वेबल इन्फेक्शन एंड ऑल इट्स क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर इम्प्लाइंग ऑथर क्या इम्प्लाई कर रहा है तो कहता है गिंजा हैज अ मोर स्टेबल गवर्नमेंट देन झील देश यहां पर कंपैरिजन कर दिया पहला नंबर ऑप्शन ऐसे ही हो गया थर्ड कहता है द ऑपोजिशन इज बायस्ड होना नहीं है थर्ड नंबर ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया फोर्थ कहता है द ट्रेड फॉर विच द ट्रीटी इज टू बी मेड इज मेड मोर प्रॉफिटेबल बाय फेमाइन और सेकंड कहता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गिंजा इज अंडरगोइंग अ फेमाइन द ट्रेड ट्रीटी विद दैट कंट्री विल बी अ प्रॉफिटेबल यानी सेकंड नंबर ऑप्शन तुम्हारा आंसर सही हो गया क्योंकि जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है मैसेज वो इसी ऑप्शन में दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर सेकंड तुम्हारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द ऑपोजिशन आर्ग्यूमेंट तो यहां पे वीक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है पहला नंबर ऑप्शन कहता है इट मेक्स अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सिंगल इंसिडेंट यहां कंक्लूजन की बात कर रहा है तो वो वीक होगा नहीं पहला नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इसके बाद नेक्स्ट कहता है इट फेल्स टू कंसिडर दैट अलाउंग अ कार्गो प्लेन टू कैरी पैसेंजर्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स डिपेंड्स ऑन व्हाट द नॉर्म्स आर थर्ड कहता है इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दैट द एयर ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट रिलेटिंग टू मैग्नेटिक और फोर्थ कहता है इट फेल्स टू एक्नॉलेज दैट अ स्लाइटली ग्रेटर रिस्क इज एक्सेप्टेबल इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी ये तो सही बात है इमरजेंसी के टाइम में थोड़ा रिस्क एक्नॉलेज किया जा सकता है तो यहां पे जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये होगा नहीं बच जाता है सेकेंड और थर्ड थर्ड कहता है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट द एयर ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्यूचर की बात है फ्यूचर की बात को कैसे हम पहले ही जान सकते हैं और उसमें भी रिलेटिंग टू मैग्नेटिक ये हम और आप पहले कैसे जानेंगे तो ये भी बात सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी वीक नहीं कर रहा यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो गया नेक्स्ट पैसेज कहता है Which of the following could be the reason why the monkeys behave in this manner? यहाँ पे जो आपका पैसेज है कहता है a certain species of monkeys living in the Amazon forest are masters of disguise. Predators can rarely spot them unless they hear them. However, it has been observed that When any of these monkeys spots a predator, it begins to make a loud, rasping, howling noise with it, which is imitated by each member of the pack. This howling allows the predator to learn at least the direction in which the pack has escaped and the approximate distance. So, यहाँ कहता है, the predators of these monkeys cannot hear very well, but have very good eyesight. यहाँ पर सुनने की बात हो रही है देखने की बात नहीं हो रही है यहां पर पैसेज में ये ऑप्शन गलत सेकंड कहता है दीज मंकीज कैन स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री स्विफ्टली एंड कैन दस स्केप देयर प्रीडेटर्स ठीक है ट्री टू ट्री वो जंप कर रहा है वो स्विंग करके जा रहा है लेकिन जो हाउलिंग है जो नॉइज है उसी के बेसिस पर उसको डिस्टेंस और किधर भागा है उसको पकड़ने की और जानने की बात हो रही है सेकेंड ऑप्शन गया दीज मंकीज आर प्रे
अपॉन बाय मेनी प्रीडेटर्स। और फोर्थ कहता है द प्रीडेटर्स आर यूजुअली आफ्टर द मंकीज हु आर वीक एंड हैव फॉलन बिहाइंड द ग्रुप। तो यहां पर जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये आपका सही हो गया और थर्ड नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी इस पैसेज का ऑप्शन नंबर फोर सही हो गया। पैसेज नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर 92 कहता है इफ द स्टेटमेंट्स इन द अबव पैसेज आर ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। यहां पर जो पैसेज है कहता है एन इंक्रीज इन टूरिज्म हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी अराउंड चीका लेक एंड ऑल्सो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलीगल प्राइवेट पावर बोट दैट फेरी टूरिस्ट टू सी द डॉल्फिन्स इन द लेक। यहाँ पर जो फोर्थ नंबर ऑप्शन कहता है प्राइवेट बोट्स मैन आर ब्रिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू देयर एक्टिविटीज, ये गलत हो गया। कहता है दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर सिग्नेचर विसल्स एंड कैन नॉट देयरफॉर लोकेट देयर मेट्स। डॉल्फिन्स आर वेरी अटैच्ड टू देयर मेट्स एट ऑफ स्प्रिंग्स एंड सर्च फॉर देम इफ दे आर सेपरेटेड एंड वेरी ऑफन आर लॉस्ट। द रूल अबाउट प्लेइंग प्लाइंग ओनली साइलेंट बोट्स ऑन दिस लेक इज बीइंग फ्लाउटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इफ द डॉल्फिन पॉपुलेशन इज टू बी सेव। पहला नंबर ऑप्शन कहता है मेंटेनेंस ऑफ द डॉल्फिन इज क्रूशियल टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ चीका लेक। यहाँ पर सेकेंड कहता है द चीका लेक हैज मेनी चैनल्स इनटू व्हिच द डॉल्फिन्स वांडर एंड गेट लॉस्ट। यहाँ पर मेनी चैनल की बात नहीं कर रहा पूरे पैसेज में कहीं, सेकेंड ऑप्शन गलत। थर्ड कहता है ईच डॉल्फिन विजेस यूनिकली एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाई अदर डॉल्फिन बाय इट, ये पैसेज में दिया गया है। यानी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर सिग्नेचर्स विशेज एंड कैन नॉट देयरफॉर लोकेट देयर मेट्स। और यहाँ पे कहता है डॉल्फिन्स आर वेरी अटैच्ड टू देयर मेट्स एंड ऑफ स्पिनेट सर्च फॉर देम इफ दे आर सेपरेटेड वेरी ऑफन आर लॉस्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थ्री आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पैसेज कहता है If it is true that there are no swimmers who are not fit and no runners who are not swimmers, two, which of the following statement will always be true? कहता है it is true that there are no swimmers who are not fit and no runners who are not swimmers, two, which of the following statement will always be true? तो यहाँ पर ये आपका question जो है ये syllogism का है और तुम लोगों को बता चुके हैं कि जब नो के साथ नॉट लगा हुआ रहे तो वो ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। तो नो स्विमर्स हु आर नॉट फिट, ठीक है, यानी ऑल स्विमर्स आर फिट। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट कहता है नो रनर्स हु आर नॉट स्विमर्स, यानी फिर नो के साथ नॉट है, यानी ऑल रनर्स आर स्विमर्स। तो देखो यहाँ स्विमर स्विमर कॉमन हो गया, तो ऑल रनर्स फिट, सम रनर्स फिट, सम फिट रनर्स, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑल रनर्स आर फिट, तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज है ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कहता है कि पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है क्यू का, तो क्यू वाइफ हो जाएगी। फिर कहता है क्यूज मदर इज अ वीडो एंड नेम यू, क्यू की मदर यू है और वो वीडो है। फिर कहता है आर हैव ओनली वन सन एस एंड इज द ब्रदर ऑफ पी, जो आर है वह उसको एक सन है और वह पी का ब्रदर है, ये हो गया तुम्हारा। एस है वन सिस्टर टी, एस को एक सिस्टर है, ये हो गया तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 94 कहता है एस इज पी, कि एस कौन है पी का, तो भाई का बेटा है यानी नेफ्यू, तुम्हारा आंसर हो गया यानी ऑप्शन नंबर फोर। 95 आर इज डी, आर कौन है पी का, तो आर इज द फादर ऑफ पी, सीधा सीधा ये दोनों भाई बहन उसका ये फादर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो गया। पी इज यूज,
पी कौन है यू का, यू की बेटी क्यू है, क्यू का हस्बैंड पी है, यानी पी इज द सन इन लॉ ऑफ यू, सन इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन द फैमिली, 1, 2, 3, 3 जनरेशन है, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का था। अब जो नेक्स्ट पैसेज है तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा एक टाइप पजल में पढ़ाए होंगे तुम लोगों को, कंपैरिजन बेस्ड पजल, या फिर उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाए थे इनइक्वालिटी, या तो इनइक्वालिटी समझ गए होगे अच्छे से तो कंपैरिजन बन जाएगा, या फिर कंपैरिजन को अच्छे से समझ लोगे तो इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो ये कंपैरिजन बेस्ड पजल का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ देखना, स्टेटमेंट में दिया है कि नरेश एंड मंजीत आर शॉर्टर देन तनवीर बट हैवियर देन गोविंद। तो यहाँ पर शॉर्टर, टॉलर, हैवियर, यानी हैवी वाले को अलग लेना और शॉर्टर और टॉलर वाले को अलग लेना। जैसे ही तुम ये लोगे तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। यानी कहता है नरेश एंड मंजीत आर शॉर्टर देन तनवीर, कि नरेश और मंजीत तनवीर से छोटा है, शॉर्टर है। लेकिन अब यहाँ पर नरेश और मंजीत में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं दिया है, दो केस है, यानी तुमको अलग अलग ये केस लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कहता है नरेश एंड मंजीत आर शॉर्टर देन तनवीर, ये एक केस हो गया, और एक केस मनवीर और नरेश, मंजीत एंड नरेश, ये तुम्हारा टॉलर शॉर्टर वाला हो गया। ठीक है, और इधर हम लोग ले लेंगे हेवियर वाला। क्लियर, तो यहां पर देता है कि नरेश एंड मंजीत आर शॉर्टर देन तनवीर बट हेवियर देन गोविंद, लेकिन गोविंद से कहता है वो हेवियर है ये दोनों। तो अब यहां पर भी वही बात होगी, गोविंद से हेवियर है तो ये यहां पर भी दो केस बनेगा। ठीक, अब कहता है दिलीप इज हैवियर देन नरेश, कि जो दिलीप है वो नरेश से हैवियर है, तो दिलीप यहाँ पे हो जाएगा, और एक में दिलीप यहाँ और दूसरे में यहाँ, क्योंकि मंजीत और दिलीप का हमको नहीं पता। ठीक है, इस केस में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और इस केस में ये दोनों हो जाएगा। दिलीप इज हैवियर देन नरेश एंड टॉलर देन मंजीत, जो दिलीप है वो मंजीत से टॉलर है, तो मंजीत से टॉलर है ठीक है दिलीप, तो दिलीप यहाँ भी हो सकता है, दिलीप यहाँ भी हो सकता है, दिलीप यहाँ भी, दिलीप यहाँ भी, दिलीप यहाँ भी, हर केस को तुम ले लो। फिर कहता है रश्मि इज शॉर्टर देन दिलीप, कि जो रश्मि है शॉर्टर है दिलीप से बट टॉलर देन तनवीर। ठीक है, लेकिन वो तनवीर से टॉलर है। तो अब यहाँ पर अगर लेते हैं तो रश्मि हमको इसी दोनों के बीच में रश्मि को लेना पड़ेगा। ठीक है, रश्मि इज शॉर्टर देन दिलीप, सॉरी रश्मि जो है वो दिलीप से शॉर्टर है लेकिन तनवीर से टॉलर है। यानी यहाँ पर जो दिलीप है रश्मि है ये केस बन गया, यानी ये वाला कहानी खत्म हो गया। अब कहता है तनवीर इज हैवियर देन दिलीप, जो तनवीर है इस दोनों केस में यहाँ पर आ गया। गोविंद इज शॉर्टर देन रश्मि बट टॉलर देन तनवीर, जो गोविंद है वो रश्मि से शॉर्टर है, जो गोविंद है वो रश्मि से शॉर्टर है लेकिन तनवीर से टॉलर है। यानी तनवीर यहाँ हो गया, गोविंद यहाँ हो गया। अब देखो कहता है कि हु इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट देखो दिलीप हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर कहता है हु इज फोर्थ व्हेन स्टैंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हाइट पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फोर्थ पोजीशन पर कौन आ रहा है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तनवीर साहब आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब जब ये बन गया तुम्हारा तो तुम्हारा काम आसानी से बन गया। जैसे यहाँ पे कहता है
गोविंद इज टॉलर देन रश्मि, गोविंद टॉलर से रश्मि है, गलत हो गया। गोविंद इज टॉलर देन नरेश, हाँ गोविंद टॉलर है रमेश से। गोविंद इज टॉलर देन नरेश, तनवीर एंड मंजीर, हाँ तीनों से सही है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। तो जब ये तुम्हारा ग्राफ बन गया तो अब क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तुम्हारा आंसर सब सही ही होगा, यानी 101 क्वेश्चन हु इज द लाइटेस्ट अमंग देम, तो हम डेटा नहीं बता सकते, डेटा इनएडिक्वेट। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तनवीर इज टॉलर एंड हैवियर देन नरेश, तनवीर इज टॉलर देन नरेश एंड ऑल्सो हैवियर देन नरेश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। तो ये था तुम्हारा जो कंपैरिजन बेस्ड पजल था उस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट पैसेज जो है तुम्हारा वो सर्कुलर अरेंजमेंट से है, 8 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पे कहता है कि डी आस्क टू सिट ऑपोजिट टू एच, जो डी है वह एच के ऑपोजिट में है, बट ही हैड टू हैव जी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन हिज लेफ्ट, और चाइल्डहुड फ्रेंड जो है जी वो इसके लेफ्ट में बैठेगा। अब कहता है ई एंड बी आर ऑल्सो फ्रेंड्स एंड ई टुक हिज सीट टू द राइट ऑफ बी, यानी ई जो होगा वह बी के राइट में होगा। अब देखो यहां पर एक और चीज है, फिर कहता है ए लाइक्स टू लुक एट सी एंड सो आस्क टू सीट ऑपोजिट टू हर, ए और सी ऑपोजिट बैठेगा। अब ए और सी ऑपोजिट बैठने के लिए ये ही जगह जो है ये खाली है, ठीक है। तो अब 1 by 1 हम ले लेते हैं कि अगर ए और सी ऑपोजिट बैठा है। अब कहता है सी ऑन द अदर हैंड रिफ्यूज टू हैव एफ सीट ऑन द आइदर साइड, यानी एफ इसके बगल में नहीं बैठेगा, यानी एफ जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा, यानी सीधी सी बात है बी और ई जहाँ कहीं भी बैठेगा एक ही साथ बैठेगा। तो अब बी के राइट हैंड साइड में ई हो गया, ये हो गया और एफ का एक पोजीशन हो गया, हमारा यहीं से पहले ही केस से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब कहता है हु गॉट द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में कौन है, एच के राइट में ए है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। सेकेंड कहता है हु वॉज प्लेसेड ऑपोजिट बी, बी के ऑपोजिट में कौन है, तो एफ, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। हु गॉट द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट हैंड साइड में कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। हु सैट इन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा आंसर होगा। हु सैट ऑपोजिट एफ, एफ के ऑपोजिट में कौन है, बी बैठा है, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 12, ये तुम्हारा कहता है यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू इफ द स्टेटमेंट इन द पैसेज आर ट्रू। पहला नंबर ऑप्शन में ओनली वर्ड दिया है वो आंसर गलत हो गया। फोर्थ नंबर ऑप्शन में फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ पर मस्ट बी ट्रू की बात कर रहा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन गया काम से। अब सेकेंड और थर्ड बचा है, तो कहता है व्यूअर्स बिकम सो एंग्रॉस्ड इन सर्चिंग दैट दे लूज ऑल ट्रैक ऑफ टाइम, और थर्ड कहता है स्कूल्स आर नाउ यूजिंग यू टू वीडियो एज टीचिंग एड्स, ये यहाँ पर गलत बात कह रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 कि व्यूअर्स बिकम सो एंग्रॉस्ड इन सर्फिंग दैट दे लूज ऑल ट्रैक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली टू अग्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर मोस्ट लाइकली टू अग्री, मोस्ट लाइकली के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वे शॉर्ट ऑफ अजम्पशंस होंगे, यानी आपको जो आंसर करना है जो अजम्पटिव टाइप का होगा उसको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ओनली वर्ड का यूज किया है।
थर्ड नंबर कहता है YouTube puts the health of viewers above profits, ये कंक्लूसिव है, ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड एक में शुड और एक में शुड नॉट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर दोनों तो है अजम्प्टिव सजेशन है, लेकिन जब सजेशन की बात आती है तो हम लोग पॉजिटिव चीज़ को ध्यान में रखते हैं। ये कई बार हम आप लोगों को जब सजेशन पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए, कितना हम क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें भी आप लोगों को हम डिस्कस करके बताए, यानी जो पहला नंबर ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर ऑप्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, पॉजिटिव वाले को ऑप्शन नंबर वन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 110 विच ऑफ द फॉलोइंग वीकर्स द ऑथर्स आर्गुमेंट इन द पैसेज अबव, कि कौन सा ऑप्शन वीक है। थर्ड ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वहां पर कंपैरिजन कर रहा है, वो गलत ही होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन एज मच एज, यहां पर भी कंपैरिजन टाइप का ही कुछ है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, कई बार कितने ऑप्शंस में कितने क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं कि जब ऑलवेज और नेवर क्वेश्चन पूछा जाता है कंक्लूजन में अजम्पशन में, तो वहाँ पर ऑलवेज और नेवर को देखते ही हम लोग गलत करते हैं, लेकिन जैसे ही वीकेंड्स की बात करता है वहाँ पर वो हमारा जो नेवर होता है जो ऑलवेज होता है वो सही होता है। तो अगर उस तरीके से भी आते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर में देखिए ऑलवेज वर्ड का यूज किया गया है, ये हमारा वीक आर्गुमेंट होगा, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रॉन्ग में गलत करते हैं तो वो वीक ही होगा, तभी तो हम उसको स्ट्रॉन्ग में गलत करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर हो गया। तो यही था आपका इस बार के क्लैट के क्वेश्चन का डिस्कशन। होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर किन्हीं को कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप क्लास में, क्लास के बाहर, व्हाट्सएप पे, जिधर आपको मन करे, जहां मन करे, पहले की भांति इस बार भी आप पूछ सकते हैं अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।